नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लोग आपकी रेस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, आपकी लोग सब वैल्यू करेंगे, आपकी सब लोग रेस्पेक्ट करने लग जाएंगे। मैं आपको वार्निंग देता हूँ, अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊँगा, वो सारे तरीके बताऊँगा जिससे लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी लोग वैल्यू करेंगे आपकी, ठीक है। वरना तो आप इस वीडियो को अभी तुरंत छोड़ के चले जाइए, वरना आप प्लीज़, क्योंकि नॉलेज आधा अधूरी नॉलेज लेना खतरनाक होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपकी लोग रेस्पेक्ट करेंगे, पहला पॉइंट है वो कि हमेशा अपने इरादे छुपा के रखिए, अपने जो भी गोल्स है, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में गोल्स है ना, उनको छुपा के रखिए। ये पहला पॉइंट है, हमेशा अपने इरादे अपने गोल्स किसी को मत कर शेयर करें। अक्सर आप देखते हैं कि जनरली लोग क्या करते हैं, वो अपने गोल्स को बता देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, वो अपने गोल्स को सबसे बता देते हैं, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जब वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाता देन लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने गोल्स किसी से शेयर मत करिए, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि आजकल देखते हो आप बेसिकली। दूसरी चीज़ आती है कि आप हमेशा कम बोलें, बिल्कुल कम बोलें, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम बोलें, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत बड़ा बना देती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि आप ज़रूरत से भी कम बोलें, ठीक है। आज आप देखते हो कि आज हम ऐसे सोचते हैं ना कि यार कि अगर हमें कहीं आप बात कर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं वहाँ पर, आपको लगता है कि यार मेरी वैल्यू है वहाँ पर, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप ज़्यादा बोलते हो ना, आप कि फिर आपको लोग सोचते हैं कि यार कि जो ऐसे बोलता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत से कम बोलें, ठीक है। तो ज़रूरत से कम बोलोगे आपके लिए उतना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि अपनी रेपुटेशन को, आपकी रेपुटेशन आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, इसलिए इसको बचाए रखिए, ठीक है। आपकी चाहे आज आपकी देखो कुछ भी रेपुटेशन होती है, रेपुटेशन चार चीज़ों से मिलकर बनती है। कैसे आपका लाइफ स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग, आप क्या पहनते हो, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। दूसरा, पैसा कमाते हो, पैसा कैसा है आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग पूछेंगे आप कैसे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है आपकी बेसिकली सही से बोलना सीखना, ठीक है, सही से बोलना सीखना। आप जब किसी से बात करते हो ना, तो जब आप किसी से अच्छे से बोलते हो तो लोग आपको, आपकी लोग बात सुनते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। चौथा आता है बेसिकली आपका काम, आप क्या करते हो, आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। इन चार चीज़ों से आपकी रेपुटेशन बनती है सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। और जितना आप कम बोलोगे लोग उतना ही आपकी वैल्यू करेंगे, आप लोग फिर आपकी बात सुनेंगे, क्यों, क्योंकि आप कम बोल रहे हो तो लोग क्या करेंगे, सोचेंगे जब आप बोलोगे ना तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। तो इसलिए ये छोटे छोटे चीज़ें ना लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। चौथा चीज़ आता है, सहनशाहों की तरह रहो, एटीट्यूड में रहो। मतलब इसका ये नहीं है कि आप घमंड करने लग जाओ, मतलब इसका ये है कि आप हमेशा अपने आप को जैसा बनना चाहते, जैसा आपको बड़ा बनना है तो आप बिल्कुल सहनशाहों की तरह रहो, किसी उस पर मत रहो कि है ना, बिल्कुल अपना एटीट्यूड रखो, ठीक है, सहनशाहों की तरह रहो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप घमंड बन जाओ, घमंडी हो जाओ, अपने अपनी दुनिया में रहो और अपने सहनशाहों की तरह रहो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिकली कि गायब हो जाओ, मतलब दूरी बना लो। जब आप ज़्यादा दिखते हो ना लोगों को, जब आप मान लीजिए आप ज़्यादा लोगों को दिख रहे हो, तो आप उन सभी के लिए आप क्या होगे, नॉर्मल बन जाओगे। बट अगर आप वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं रहोगे जब आप, तो लोग आपकी बात करेंगे यार ये आज वो नहीं आया। जब आप गायब होगे ना तो इससे क्या होगा, फिर आपके लोग रेस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे। अगर कई दिन तक सूरज नहीं निकलता ना, तो हमें सूरज निकलने की इंतज़ार रहता है कि कब निकलेगा, वैसे ही अगर आप जितना कम दिखोगे, जितना लोगों को आप कम दिखोगे, लोग आपकी उतनी वैल्यू करेंगे, लोग आपको। तो ये पांच चीज़ें बताइए, पांच पावर्स बताई मैंने जिसके थ्रू इंसान आपकी वैल्यू करेगा। अगर ये वीडियो में ये जो भी मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, बिकॉज
इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी चाबी है। मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, बट एक्चुअली रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो अभी तक नहीं आएगा। जब रिजल्ट कब निकलेगा? जब आप इसको फॉलो करोगे, जब आप इन चीज़ों को करोगे, ठीक है। दूरी बना लो, कम बोलो, और हमेशा अपने गोल्स प्लान किसी को शेयर मत करो, ठीक है। अपने सहनशाह की तरह रहो, एटीट्यूड में रहो, और अपनी रेपुटेशन पर काम करो, ठीक है। आई बात समझ में? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी जो भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय